हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके आपको बना के दिखाऊंगी चिकन बिरयानी। सो आई एम नॉट शोइंग यू ऑल द इंग्रेडिएंट्स, आई एम गोइंग टू गिव इट डायरेक्टली टू द सॉस पैन, एंड सो आई एम गेटिंग स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ राइट नाउ। सो वॉट आई हैव टू डू इज आई हैव टेकन अ पैन। इस पैन में मैंने अराउंड 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल डाला है और इसमें मैंने फ्राई करके रखा है पोटैटोज। यू में आप बड़े साइज के पोटैटोज भी यूज़ कर सकते हो। बड़े साइज के जो पोटैटोज हैं उसको मैंने हाफ करके रखा है यहाँ पर, या फिर अगर आप चाहते हो तो वो पोटैटोज आप एकदम पूरा जो आधा करके रखा है मैंने यहाँ, आप आधा ना करना चाहते हो तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। यू कैन डू वॉट एवर यू फील लाइक। यू हैव टू फ्राई द पोटैटोज विथ ओनली विथ सॉल्ट। पोटैटोज फ्राई करके रखा है, यहाँ मैंने ले लिया है अराउंड 500 ग्राम्स ऑफ चिकन। फ्रेश चिकन है ये, याद रखना बिरयानी के जो चिकन पीसेस होते हैं वो थोड़ा साइज में थोड़ा सा बड़ा रखना है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लेग पीसेस है, लेग पीस आप देख सकते हो थोड़ा सा बड़ा करके रखा है मैंने, कट किया है ठीक है। और पीसेस आप देख सकते हो, 500 ग्राम्स ऑफ चिकन मैंने लिया है। ये ओनली पर्सन जो मतलब जो जितने लोग खाने वाले हैं वो है ओनली 2, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 500 ग्राम्स ऑफ चिकन एंड दैट्स आल्सो ऑफ बिग साइज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जो तेल है वो गर्म हो चुका है, अभी मैं इसमें डालने जा रही हूँ अराउंड 5 ग्रीन चिली। यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज के अनियंस लिया है और इसको मैं अभी सॉफ्ट करूँगी। अब इसमें मैंने डाल दिया है गार्लिक, अराउंड 8 to 10 क्लॉव्स ऑफ गार्लिक। उसको आप पेस्ट भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पर एकदम बारीक कट करके उसको थोड़ा सा क्रश करके लिया है, उसको मैंने इसमें डाल दिया। अभी मैं इसमें डालूंगी अदरक, अराउंड 2 इंच ऑफ जिंजर। आप इसको पेस्ट भी कर सकते हो एक साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट, या मैंने इसको क्रश करके लिया है एकदम बारीक से। इसको अभी हम मिक्स करेंगे थोड़े देर के लिए। जब तक वो मसाला पक ना जाए तब उस इसके साइड में मैं आपको और एक प्रोसेस दिखाऊंगी। ये एक इसके बिरयानी के एक प्रोसेस है। मैंने एक पैन पे 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल गरम कर लिया है और इसके अंदर मैं डालने जा रही हूँ 1 बिग साइज अनियन जो मैंने पीस करके रखा है, आप देख सकते हो। इसको मैं अभी यहाँ एकदम गोल्डन ब्राउन में इसको पकाऊंगी। आप देख सकते हो ये हो गया है, ये पक गया है। इसको हम अभी ऐसे ही रख देंगे और ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है मैं आपको दिखाऊंगी, तब तक हम चिकन जो है उसको पका लेते हैं। ये आप देख सकते हो ये पूरा हो गया है, अभी हम इसमें चिकन डाल देंगे। अभी इसको हम 5 मिनट तक सॉफ्ट करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको और ऐसे ही छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। चिकन होते होते मैं जो राइस का जो प्रोसेस है आपका मेरा वो मैं दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने एक गैस ओवन पे मैंने अराउंड 2 कप्स ऑफ वाटर मैंने बॉईल करने के लिए रखा है। ये जब तक बॉईल हो जाए तब तक मैं आपको चावल का जो क्वांटिटी है वो आपको दिखा दूंगी। यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम्स ऑफ बासमती राइस, मैंने इसको सोक करके रखा है। आप पूरा पानी जब तक झड़ना जाए मैं उसको पानी में उबाले हुए पानी में नहीं डालने वाली हूँ, तब तक मैं चिकन का जो प्रोसेस है वो आपको दिखा दूंगी। ये मेरा चिकन 5 मिनट से ऐसे करके मेरा हो गया है। मैं अभी इसमें जो बिरयानी मसाला है मैं वो यूज़ करूँगी। बिरयानी मसाला हम अभी
डिपार्टमेंटल स्टोर्स में या फिर दुकान में कई पेयर भी अवेलेबल है, एवरेस्ट का है और भी बहुत सारे कंपनीज है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। पर मैंने घर पे ही बनाया है बिरयानी मसाला जो है वो मैंने बनाया है। आपको मैं ये बिरयानी मसाला का जो वीडियो है मैं आपको ये ज़रूर दिखाऊंगी एक दिन। अभी अगर अभी जैसे कि मैंने नहीं दिखाया है आपको बिरयानी मसाला जो मैंने बनाया है घर पे, तो आप उसके जगह आप एवरेस्ट का बिरयानी मसाला है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, या अगर कोई अदर कोई कंपनी का है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर मैंने जो बिरयानी मसाला अपने आप बनाया है उसमें से मैंने 3 टेबलस्पून ऑफ बिरयानी मसाला इसमें यूज़ किया है। अभी मैं इसको सॉर्ट करूँगी। और इसमें और एक चीज़, इस बिरयानी मसाले के साथ मैंने सिनेमन, बे लीफ और जो भी गरम मसाले का जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जो बहुत सारे बिरयानी चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी के वीडियोस में आप देखेंगे कि उसमें ऐसे जो पूरा इनटेक है वही यूज़ करते हैं, तेल में पहले ही डाल देते हैं। पर मैंने वो वाला नहीं किया क्योंकि मैंने इस ये मसाले के साथ पीस लिया है वो मसाला, और थोड़ा सा मैंने कच्चा भी रखा है, आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगी, ये है सिनेमन स्टिक और बेलीफ, कहीं तो भी चला गया एनीवेज, वो मैंने यूज़ किया है इसे बिरयानी मसाले के साथ, इसलिए मैंने एकदम जो रॉ है वो मैंने नहीं डाला है इसमें। सो इसको मैं अभी मिक्स करके मैं अभी इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। तब तक मेरा ये जो पानी है ये थोड़ा सा गर्म हो गया है, इसको जब तक ये बॉइलिंग पॉइंट में ना आ जाए तब तक के लिए मैं वेट करूंगी, उसके बाद ही मैं इसमें पानी चावल डाल दूंगी। पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है, अभी मैं इसके इसमें डालने जा रही हूँ पूरा चावल। चावल मैंने डाल दिया है, अभी मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगी। इसके साथ मैं अभी डालने जा रही हूँ एकदम छोटे कप में 1 कप ऑफ मिल्क, वो भी ठंडा वाला। मैंने मिल्क ऐड कर दिया है इसमें, अभी मैं इसको थोड़ा सा पकने के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी इसको बिना ढके। अभी मैं दोनों में ही थोड़ा थोड़ा नमक यूज़ करूँगी, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, और इसमें 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट मैं यूज़ करूँगी। अगर बाद में लगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर बाद में थोड़ा बहुत नमक ऐड करना है वो मैं आपको फिर से बता दूंगी। अभी मैं इसमें यूज़ करूँगी 1 टेबलस्पून ऑफ कर्ड, थोड़ा ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो वो आपके ऊपर, ये है मैंने 1.5 टेबलस्पून ऑफ कर्ड यूज़ किया है, इसको मैं अभी सॉल्ट कर दूँगी। इसमें मैं अभी 1 पिंच ऑफ केसर यूज़ करूँगी, आप जितना इस्तेमाल करना चाहते हो उतना इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैंने इसको ढक के रखा है चावल को, और ये थोड़े देर के लिए मैंने इसको ऐसे ही एकदम लो फ्लेम में मैंने रखा है। याद रखिए बिरयानी बनाने का जो प्रोसेस है वो पूरा ही लो फ्लेम में होने वाला है, वी आर नॉट गोइंग टू गिव इट ऑन हाई फ्लेम। सो और जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है, मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ये जो है ये बना के रखा था, इसको मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि इसका क्या करना है। ये पूरा ठंडा हो चुका है, मैं इसको पीस लूँगी। ये जो है इसके साथ मैं 1 टीस्पून ऑफ शुगर ऐड करके इसको मैं एकदम पीस लूँगी, नॉट यूजिंग एनी वाटर। आप देख सकते हो मैंने 1 टीस्पून ऑफ शुगर मैंने यूज़ किया है, इसको मैं अभी पीस लूँगी अच्छी तरह। इसको मैंने पीस लिया है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह दिखेंगे ये, और मेरा जो चावल है वो भी रेडी हो गया है। ठीक है, मैंने गैस बंद कर दिया है। अभी ये जो मिक्सर है मैं इसको ये चिकन के इसमें पूरा डाल दूँगी और इसको मैं सॉफ्ट करूँगी। इसके साथ मैं अभी ये जो पोटैटोज है वो भी मैं ऐड कर रही हूँ, इसको अच्छी तरह से पकाना है फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट हो गया है चावल होने के बाद, मैंने चावल को 10 मिनट तक फैन के नीचे पूरा ठंडा कर लिया है। अभी मैं इस चावल को चिकन के साथ ऐड करने वाली हूँ।
इसमें मैं अभी डालूंगी थोड़ा सा कैरा वाटर, अराउंड 1 टीस्पून है कैरा वाटर। इसमें इसका स्मेल बहुत स्ट्रांग है, सो आई एम यूजिंग 1 टीस्पून ओनली। और आप अगर चाहो तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो, पर याद रखना कैरा वाटर ज़्यादा यूज़ करने से उसका स्मेल बहुत ही स्ट्रांग होता है। अभी मैं इसमें डालने जा रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर। आप देख सकते हो, यू कैन यूज़ अ पिंच ऑल्सो एंड इट्स अप टू यू। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालने जा रही हूँ, अराउंड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, एंड यू कैन यूज़ 1/2 टीस्पून ऑल्सो अगर आपको लगे तो, आप बाद में भी ये कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा नमक डालने के बाद थोड़ा सा मैं मिक्स कर दूँगी। इसको ऊपर मैं थोड़ा और मैं फूड कलर ऐड करने जा रही हूँ। मेरा फूड कलर थोड़ा सा कम हो गया है इसलिए, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा 1 टीस्पून ऑफ घी मैं इस्तेमाल करूँगी। घी इस्तेमाल करके मैं इसको ढक दूँगी। और मैंने गैस स्टोव बंद कर दिया है, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा 1 टीस्पून ऑफ घी ऐड करके मैं इसको बंद कर दूँगी। ये पूरी तरह से तैयार है, मैंने अभी इसको सिर्फ ढक के रखने के लिए रखा है ताकि ये दम में थोड़ा और थोड़ा हो जाए, इसका स्मेल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए पूरे बिरयानी के साथ। ये प्लीज़ आप घर पे ट्राई करो और मुझे बताओ कि कैसा लगेगा ये रेसिपी। और इसका जो टेस्ट है, ये जो खाने का जो ये इसके साथ जो चाहिए वो है आइदर चिकन चप और या रायता। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।